गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास होगा, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने 10% लाभ पर एक साइकिल बी को दिया, यदि बी ने 2860 रुपया में इस साइकिल को खरीदता है तो ए ने कितने रुपया में खरीदा था। माना कि साइकिल जो ए खरीदा होगा वह 100 रुपया में खरीदा होगा। मान लेते हैं कि ए जो साइकिल खरीदा है वह 100 रुपया में खरीदा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वह 10% लाभ पर बी को दे रहा है। 10% लाभ का मतलब क्या होता है, ए जो है बी को 10% लाभ पर दे रहा है, यानी 110 रुपया में दे रहा है, तब तो 10 रुपया लाभ होगा ना। 10% लाभ का मतलब 100 में 10 जोड़ के, तो 110 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि बी ने 2860 रुपया में इस साइकिल को खरीदता है। देखिए ए दे रहा है 10% लाभ पर और बी जो है रियल में खरीद रहा है 2860 रुपया में, 2860 रुपया में, यानी परसेंटेज के हिसाब से 110 रुपया में खरीद रहा है और रियल रुपया में जो खरीद रहा है वो 2860 रुपया में खरीद रहा है, तो दोनों आपस में तो एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ए ने कितने रुपया में खरीदा था, तो ये तो माने हैं 100 रुपया। अब इसका जो है वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब जो है 11 × 2 = 22 होगा और 6 बचेगा तो 11 × 6 = 66, यानी 26, एक अनुपात एक का जो वैल्यू आ जाएगा वह 26 रुपया होगा। तो अनुपात 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 × 26 करेंगे यानी 2600 रुपया हो जाएगा। ये जो साइकिल खरीदा होगा वह 2600 रुपया में खरीदा होगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि एक आदमी एक घोड़ा और एक वाहन 3000 में खरीदता है, वह घोड़े को 20% लाभ पर और वाहन को 10% हानि पर बेच देता है। इस तरह से उसे पूरे सौदा पर 2% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए जब भी आपको एक वस्तु का अलग लाभ हानि प्रतिशत पता हो और दूसरे भी वस्तु का अलग लाभ हानि प्रतिशत पता हो और एक कॉम्बाइंड रूप से कुल सौदे का लाभ हानि प्रतिशत पता हो, तब ऐसा क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा दीजिएगा। तो एलिगेशन कैसे लगेगा, जैसे कि कह रहा है घोड़े को हम 20% लाभ पर बेच रहे हैं, घोड़ा जो है उसे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो प्लस में लिखेंगे, लाभ का मतलब प्लस होता है ना। उसके बाद हानि, सॉरी, वाहन को कह रहा है क्या, वाहन को 10% के हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि -10 लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि उसे पूरे सौदा पर 2% का लाभ होता है, तो जो पूरे सौदा यानी टोटल जो लाभ होगा उसे बीच में लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि एक बार 20 में से 2 को घटाएंगे, 20 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 18 होगा, और एक बार 2 में से 10 को घटाएंगे, एक बार 2 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, यानी 2 में से अगर 10 को घटाते हैं तो -×- तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। 2 में से 10 को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, अब यह रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6×2 = 12 और 36 = 18, यानी कि घोड़ा को 2 यूनिट में खरीद रहे हैं और वाहन को 3 यूनिट में खरीद रहे हैं। अब टोटल जो क्वेश्चन में दिया गया वो 3000 रुपया दिया गया, घोड़ा और वाहन का रियल जो सीपी दिया गया है वह 3000 रुपया दिया गया है, और यहां से 2 और 3 यानी कि टोटल 5 आ जाएगा, तो यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 3000 दिया गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 5×6 = 30, यानी कि 600 हो जाएगा। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो घोड़ा तो 2 यूनिट में खरीद रहे हैं रेशियो में यहाँ, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 600 रुपया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2×600 करेंगे, यानी कि हो जाएगा कितना, 1200 रुपया में घोड़ा को खरीद रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 2 वस्तु को 9500 में खरीदता है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है जबकि दूसरी वस्तु को 23% लाभ पर बेचता है, अगर कुल विक्रय मूल्य 11550 है तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन में कुल विक्रय मूल्य दिया गया है दोनों का, तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 11550 दिया गया है, विक्रय मूल्य जो दिया गया है वह 11550 दिया गया है सीएसपी। उसके बाद टोटल दोनों का क्रय मूल्य दिया गया है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 9500 है ना जी, 9500 है, 9×5 = 2 यह एसपी दिया गया है और यह सीपी है, तो अब जब एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, यानी कि 0 में से 0 और 5 में 0 जाएगा तो 0 और 5 में से 5 जाएगा तो 0, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी 2050 रुपया जो उसे प्रॉफिट हुआ होगा क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचते हैं और दूसरी वस्तु को 23% लाभ पर बेचते हैं,
तो देखिए 9500 टोटल तो एससीपी दिया गया है। अब एक को 20% लाभ पर बेचते हैं और दूसरी वस्तु को 23% लाभ पर बेचते हैं, तो 23% को तो हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, 20 जोड़ 3 लिख सकते हैं ना जी। जब 20 जोड़ 3 लिख सकते हैं, थोड़ा देर के लिए 3 को भूल जाते हैं, जब थोड़ा देर के लिए 3 को भूल जाएंगे तो मान लेते हैं कि दोनों वस्तु पर 20-20% का लाभ कमाया होगा। तो दोनों वस्तु पर अगर 20-20% का लाभ कमाएगा तब टोटल प्रॉफिट का कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 9500 है और 9500 का 20% यदि निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म, तो अब 0 का 0, 5 दुनी 10 का 0 हासिल, 1 9 18 1 19, यानी कि अगर दोनों वस्तु पर 20-20% प्रॉफिट दे रहा है तब 1900 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और यदि एक वस्तु पर 20% और दूसरी वस्तु पर 23% प्रॉफिट दे रहा है तब 2050 रुपया हो रहा है। यानी कि दोनों में अंतर कितने का है, 150 का अंतर है, 2050 में और 1900 में 150 का अंतर है। तो यह अंतर कैसे निकला, यानी कि 3% का है, 3% का है ना, क्योंकि एक को 20% पर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को 23% पर बेच रहा है। अगर दोनों वस्तु को 20% प्रॉफिट पर दे तब 1900 प्रॉफिट होगा, और एक को 20% और एक को 23% पर दे रहा है तब 2050 हो रहा है ना। तो यानी 3% का जो डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है यहाँ से रियल में, परसेंटेज में, और रियल में जो डिफरेंस है वह 3% बराबर कितना है, 150 का है ना जी, समझे। उसके बाद 3%, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% बराबर 150 बट्टा कितना होगा, 3, और 100% निकालेंगे तो निकल जाएगा सीपी पहला वस्तु का गुने 100। उसके बाद क्या करेंगे कि 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 0 का 0, यानी पहला वस्तु का जो सीपी हो जाएगा 50 और गुने 100 तो हो जाएगा कितना, पहला वस्तु का सीपी 5000 हो जाएगा। तो अब दूसरे वस्तु का सीपी, अगर पहला वस्तु का सीपी 5000 है तो दूसरे वस्तु का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 9500 में से 5000 को घटा देंगे, तो 0 0 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि दूसरा वस्तु का जो सीपी हो जाएगा 4500 और पहला वस्तु का सीपी 5000 हो जाएगा। एक वस्तु का सीपी 4500 और दूसरा वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 केजी के स्थान पर वह 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए एक दुकानदार को देना था 1 केजी लेकिन वह दे रहा है 900 ग्राम ही, तो सबसे पहले अगर ग्राम में है, 1 ग्राम में है और 1 केजी में है, तो दोनों को ग्राम में कर लेंगे या तो दोनों को केजी में कर लेंगे, यानी कि यूनिट को सेम करेंगे। तो 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। दुकानदार को तो देना था 1000 ग्राम यानी 1 केजी और वह दे रहा है कितना, 900 ग्राम, 900 ग्राम दे रहा है, यानी गड़बड़ कितने ग्राम का कर रहा है, 100 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट तो यहां 100 ग्राम का होगा क्योंकि 1000 ग्राम की जगह वह 900 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है। अब बट्टा में सीपी क्या होगा, सब तो यही आके गड़बड़ करता है कि बट्टा में 1000 लिखता है, 1000 लिखता है ना जी, लेकिन 1000 नहीं लिखना है क्योंकि दुकानदार जो है 1000 ग्राम के जगह तो 900 ग्राम दे रहा है, यानी दुकानदार का जो सीपी है, यानी दुकानदार को जो पैसा लगता होगा वह 900 ग्राम को ही, 900 ग्राम का ही पैसा लगता होगा दुकानदार को, तो बट्टा में जो हो जाएगा वह 900 यानी कि सीपी और गुने 100। अब 0 से 0 खत्म, यानी हो जाएगा 100 बट्टा 9 और 100 बट्टा 9 से अगर 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 11.1% यानी देखिए ना, 11 9 99 और 100 यानी 100 बटा 9% ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 केजी के बदले 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन का जैसा ही है, सेम क्वेश्चन। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 केजी के बदले वह 850 ग्राम तोलता है, यानी 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होगा ना, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम 1 केजी में। अब कह रहा है 850 ग्राम ही तोलता है,
1 kg देना था लेकिन 850 ग्राम दिया, यानी कि गड़बड़ कितने ग्राम का किया? 150 ग्राम का गड़बड़ किया। यदि 150 ग्राम का गड़बड़ कर रहा है तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट बटा सीपी पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट यानी कि गड़बड़ कर रहा है 150, यानी प्रॉफिट 150 हुआ। अब सीपी इसका क्या होगा? सीपी इसका सब 101,000 ग्राम कर देता है, लेकिन 1,000 ग्राम नहीं होगा क्योंकि दुकानदार को तो लग रहा है कितना का पैसा, 850 ग्राम का पैसा ही। दुकानदार कह तो रहा है हम 1,000 दे रहे हैं, लेकिन दे नहीं ना रहा है, दे तो रहा है 850 ग्राम ही ना, इसलिए सीपी क्या होगा? 850 ग्राम गुना 100। अब यदि जीरो से जीरो को काटते हैं, अब 17 × 5 = 85 और 5 × 2 = 10, उसका 150 × 300 हो जाएगा, 300/17, यानी कि अब जो हो जाएगा इसका इसका परसेंटेज यदि तोड़ते हैं, सॉरी पूर्णांक में यदि लाते हैं तो 17 × 11/17% हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% लाभ तथा सामान बेचते समय 5% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ याद करें। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टा 100, यानी 10% को ए मान लीजिएगा और 5% को बी मान लीजिएगा, यानी 10 + 5 + a × b यानी 10 × 5/100। अब 0 से 0 खत्म और 5 से 2 यानी 5 × 2 = 10, अब जो हो जाएगा 10 × 5 = 15 + 1/2। अब इसे भिन्न जोड़ करते हैं तो 15 × 2 = 30 और 1 = 31 यानी 31/2, इसका जो हो जाएगा 15.5% टोटल लाभ। बताइए कहाँ दिक्कत है।